अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है DLS एजुकेशन विद्याकुल। मैं यामिनी आपकी सोशल साइंस की टीचर वेलकम करती हूँ आप सबका। तो एक बार आप सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ते जाएंगे और फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज का अपना ये सेशन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलिटी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, सिविक्स का चैप्टर 4 लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है आपका, क्योंकि कई सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी और साथ ही साथ कई सारे प्रश्न इस अध्याय से आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं या फिर पूरे सिविक्स की बात करूं, तो जनरली बच्चे सिविक्स में बड़े कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपसे तर्क आधारित क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब हिस्ट्री में जैसे पूछ देता है कि गैरी बाल्डी क्या है, तब तो आपको पता है कि कौन था, क्या है, कैसे था। अगर सिविक्स में पूछ देता है कि यही बात को कि लैंगिक असमानता सही है या नहीं, तो बच्चा को बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये क्या पूछ दिया, क्योंकि जहां आपका तर्क पूछ दिया जाए वहां आप फंस जाते हैं, है ना बच्चों। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ेंगे ताकि आप कहीं ना फंसें, ये गारंटी मेरी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। आई होप आप सारे बच्चे पेन पेपर लेकर के बैठ गए होंगे। तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां, आपका चैप्टर नंबर 4 है। सबसे पहले यहां पे बच्चे हमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं। एक वर्ड है जिसका नाम है लोकतंत्र, एंड आई होप कि यहां जितने बच्चे मेरा ये वीडियो देख पा रहे होंगे उन सबको पता होगा कि लोकतंत्र क्या है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं तो ये जो लोकतंत्र है मैम, ये दो वर्ड से मिला हुआ है, एक का नाम है लोक और दूसरे का नाम है तंत्र। लोक मतलब होता है मैम जनता और तंत्र का मतलब होता है क्या बच्चों, शासन। वहीं अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में हम इसको डेमोक्रेसी लिखते हैं। और वहीं अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है बच्चे, एक का नाम है डेमोस और एक का नाम है क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। ये बातें आपकी क्लियर है। अब एक सेकेंड, अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा थी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, ये सारी बातें आप लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब आपको चैप्टर का नाम देख करके एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि जब मैं किसी व्यक्ति की उपलब्धि बताने को कहूँ, अगर मैं कहूँ कि रोहन नाम का जो लड़का है उसकी उपलब्धियाँ गिनाइए, तो आप उसकी क्या उपलब्धियाँ गिनाइएगा? आप कहेंगे कि मैम उसके गुणों के बारे में बताएंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। बिल्कुल बच्चे, इस चैप्टर में भी हमें यही करना है। इस चैप्टर में हमें 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करनी है। सबसे पहला बिंदु हमारा ये होगा कि लोकतंत्र की विशेषताएँ क्या हैं, लोकतंत्र के गुण क्या हैं। दूसरा, आखिर इस लोकतंत्र के मार्ग में बाधाएं क्या क्या हैं, और इन दोनों से आपको प्रश्न बनते हैं कि लोकतंत्र के गुणों का वर्णन करें, लोकतंत्र के मार्ग में बाधाओं का वर्णन करें। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो ये है कि आखिर इन बाधाओं को दूर कैसे किया जाए। मतलब टॉपिक का नाम होगा कि लोकतंत्र को सफल कैसे बनाया जाए। तो चलिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने के बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सारे बच्चे पेन पेपर लेकर के तैयार होंगे। अगर हम लोकतंत्र की बात करें बच्चों, तो आप सबको पता है कि लोकतंत्र पूरे दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे फेमस, एक तरह से विश्वसनीय हम कह सकते हैं, विश्वव्यापी एक तरह से शासन का तंत्र है ये। अगर हम इसके अंतर्गत बात करेंगे तो यहाँ सबसे सुप्रीम कौन होता है बच्चे, संविधान होता है। और संविधान हमें यह अधिकार देता है, हमारा जो निर्वाचन प्रणाली है वो हमें स्वतंत्र निर्वाचन का अधिकार दिया है। हमारा जो व्यक्ति पसंद होगा हम उसको चुनेंगे, ब्याह करने के लिए नहीं, वोट करने के लिए। हाँ, उसके लिए भी चुन सकते हैं, वो भी संविधान आपको राइट टू लाइफ देता है कि आप अपना पार्टनर चुन सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर बच्चे बात करें तो हम सारे नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने सारे हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है ना, कौन कौन से हमें अधिकार प्राप्त है? आप कहेंगे मैम हम कहीं जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, हमारे पास सारा अधिकार है ना। हमें बोलने का अधिकार है, भाषण करने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है। आप जैसे बच्चे को 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को पढ़ने का अधिकार सरकार ने दे रखा है। तो कितने सारे मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब कुछ अधिकार हमें मिले हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना इस देश को लौटाने का। अब एक तरफ से ही भलाई होती रहेगी तो अच्छा तो लगेगा नहीं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? तो आप कहेंगे कि मैम इसका जो सबसे बड़ा क्वालिटी है वो ये है कि ये नागरिकों के कल्याण की बातें करता है, नागरिकों के कल्याण की बातें करता है, और इसीलिए लोकतंत्र पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं इतना फेमस है। तो आइए हम बात करते हैं आगे इसके बारे में। अगर हम बच्चे लोकतंत्र के बारे में बात करें तो हर जगह यह सिस्टम एक जैसा नहीं है, क्योंकि हर जगह विषमता पाई जाती है। आपको मैंने चैप्टर 1 में
विविधता का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा जिसको हम क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। यही विविधता तो कहलाता है अंतर। और ये जो अंतर है बच्चों, ये अंतर किसी एक बेस पर तो है नहीं, कई सारे यहाँ पे आपको आधार देखने को मिलेंगे, खास करके भारत में। जैसे भारत में सबसे बड़ी जो विषमता है वो तो जाति की है, फिर आता है बच्चे यहाँ पे धर्म, फिर आ जाता है बच्चे यहाँ पे समुदाय। इसके साथ साथ भारत में एक दो और विशेषताएं हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी है, जैसे भाषा के आधार पर विविधता है। भारत में क्षेत्रीय विषमता भी पाई जाती है, कोई नॉर्थ बिहार, मतलब कोई नॉर्थ इंडिया से है, साउथ इंडिया से है, इन लोगों का अलग कहानी है। मतलब विविधता के आधार पर तो हम टॉप में गिने जाएंगे, इतने सारे आधार है। इन सारे आधार के बावजूद हम सारे लोग एक साथ सिमट के रहते हैं, हम सारे लोग एक साथ मिलकर के रखते हैं, और यही कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को सफल बनाने का काम करता है। आइए आपसे एक प्रश्न पूछती हूं मैं, और ये प्रश्न मैं नहीं पूछ रही हूं, ये प्रश्न ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। और आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, तो आपसे पूछा गया है कि आखिर यह जो लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र सबसे सर्वोत्तम शासन प्रणाली कैसे है, इसको एक्सप्लेन करना है। लोकतंत्र सबसे सर्वोत्तम शासन प्रणाली कैसे है? अब आपसे मैं एक बात पूछूंगी कि बताओ बच्चों, अगर आपको किसी व्यक्ति को यह बताना होगा कि तुम अच्छे कैसे हो, तो आप क्या बताएंगे? आप कहोगे कि मैम हम उसके गुणों के बारे में बताएंगे, हम उसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो आइए अब हम एक एक करके बच्चों जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह जो लोकतंत्र है, इसके पास क्या क्या गुण हैं, इसके पास क्या क्या विशेषता है। इन्हीं सारे मुद्दों पर, इन्हीं सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आइए एक एक करके बच्चे हम जानेंगे कि आखिर इसके पास क्या क्या अधिकार है। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और ये देखने को क्या मिल रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि मैम यहाँ लिखा हुआ है कि यह जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन है। जनमत कहने का मतलब जनता के मत पर हम लोकतंत्र के अंतर्गत बच्चे चुनते हैं, और जिसे हम चुनते हैं वही हमारे शासकीय प्रणाली का हिस्सा बनता है। तो हम सीधा सीधा ऐसे कहेंगे कि मैम यहाँ बहुत क्लियर हो रहा है कि यह जो शासन प्रणाली है, यह जनमत पर आधारित है। मतलब जो भी व्यक्ति शासन चलाएगा वो जनता की इच्छा के अनुसार चलाएगा, जनता की इच्छा के अनुसार शासन चलाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को सरकार को ध्यान में रखना होगा। यहाँ हर एक व्यक्ति की इच्छा जो है वह जरूरी होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो वोट है वो एक काउंट होता है, उसका वैल्यू एक ही होता है, उसका मत एक ही होता है। लोकतंत्र में आपको पता होगा बच्चे कि एक इसकी और विशेषता है जिसको हम कहते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। एक व्यक्ति एक वोट और उसका मोल कितना? एक मोल, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बहुत अमीर है तो उसके वोट को हम दो काउंट कर लेंगे और गरीब है तो उसके वोट को हम एक काउंट करेंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता तो यही हो गई कि हर आदमी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैटर करता है, ठीक है? तो ये शासन कैसा है बच्चों? जनमत पर आधारित है। दूसरा हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, तो आप कहोगे कि मैम दूसरा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता का पोषक है। ये दूसरा पॉइंट बनेगा आपका, और बहुत क्लियरली आप ये चीज समझते होंगे बच्चों कि अगर कोई भी लोकतांत्रिक देश है तो वहां लोगों को दो तरह के अधिकार तो मिलेंगे ही। सबसे पहला ये कि वहां पे समानता होगी हर पक्ष के बीच में। जैसे आपको मैंने यहां बताया था ना कि देखो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर अंतर है। अब इन अंतरों के बीच में हम रह तो नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कोई भी अगर लोकतंत्र है तो वह जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग, इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। क्या आपको आपके स्कूल में ऐसा कहा जाता है कि जो गोरे लोग हैं वही पढ़ेंगे, जो काले लोग हैं वही पढ़ेंगे, जो इस धर्म से है वही पढ़ेंगे? नहीं बताया जाता ना। तो हमारा लोकतंत्र भेदभाव बिल्कुल नहीं करता। साथ ही साथ बच्चे हमें कई आधार पर स्वतंत्रता दी गई है। जैसे आपको अपना विचार रखने का पूरा स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ बोल देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। दूसरा, आपको भाषण करने का अधिकार है, आप बोलिए आपको जिसके बारे में आपका जो मत है। आपको सभा बनाने का अधिकार है, समिति बनाने का अधिकार है, भ्रमण करने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, हर चीज का अधिकार आपको दिया गया है। मतलब आप स्वतंत्र हैं, ठीक है? तो यहाँ हमें दो चीजें देखने को मिली कि मैम समानता तो मिल ही रहा है, हम सारे नागरिक सरकार के नजर में, कानून के नजर में, संविधान के नजर में समान हैं, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मैम हम लोग स्वतंत्रता के पोषक हैं। स्वतंत्रता का पोषक भी इसे कहा गया है, ठीक है? तो यहां तक की बातें आपको याद रहेंगी। पहला तो मैम जनमत पर आधारित है, और दूसरा समानता और स्वतंत्रता का पोषक। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो लोकतंत्र के गुणों के बारे में। अभी हम जान रहे हैं कि लोकतंत्र के गुण क्या क्या हैं। चलिए बच्चों
हम बात करते हैं तीसरे गुण के बारे में, और तीसरा गुण हमें क्या कहता है, जन कल्याण का पोषक। और ये तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी लोकतंत्र में हम सरकार को क्यों चुनते हैं, हम सरकार को इसीलिए चुनते हैं ताकि सरकार क्या कर सके, सरकार हमारे ऊपर कल्याण कर सके। कहने का मतलब कि सरकार कई सारी विकास योजनाएं लाए जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा भलाई हो, देश की तरक्की हो, देश का विकास हो, और देश का विकास होगा तो इंडिविजुअल व्यक्ति का विकास होगा ही होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मैम जो इसकी तीसरी विशेषता है वो यही है कि लोकतंत्र जन कल्याण का पोषक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भलाई पर बल देता है, ज़्यादा से ज़्यादा जनता के भलाई पर बल देने के साथ साथ अधिकतम कल्याण करने का भी काम ये करता है। ठीक है, तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता क्या है बच्चों इसकी? तो चौथी विशेषता ये है कि लोकतंत्र के अंतर्गत आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जनता बहुत जागरूक होती है। और जनता जागरूक कैसे नहीं रहेगी अगर हम ऐसे कंडीशन में बच्चे बात करें। अगर हम ऐसे कंडीशन में बच्चे बात करें राजनीतिक जागृति वाले टर्म में, तो लोकतंत्र में जनता इसलिए जागरूक रहती है क्योंकि जनता ने वोट दिया है, और वोट किस आधार पर देती है, तो जनता तो वोट इसी आधार पर देती है ना कि ये व्यक्ति हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश के बेहतरी के लिए कार्य करेगा, बस इतना ही। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चाहे निर्वाचन हो या फिर शासक कार्य हो, इन सब में भाग लेने के कारण जनता में एक तरह से चेतना होती है। जनता ये टेस्ट करती है कि कौन सा व्यक्ति हमारे देश के लिए बेहतर है, किस कौन सा व्यक्ति हमारे देश के लिए बेहतर कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे जागृति है ना, जागृति अगर नहीं होती, जागरूकता अगर नहीं होती मान लो, तब तो हम किसी को भी चुन लेते। और कहीं ना कहीं अगर भारत में मैं बात करूं बच्चों, तो इसकी अभी थोड़ी सी कमी है। कमी इसलिए है क्योंकि हमारे रग रग में शुरू से ही जाति और धर्म जैसी चीजें भरी पड़ी हुई है, हम उसी पर फोकस है। तो इस कारण क्या होता है ना कि हम काम के आधार पर वोट ही नहीं कर पाते, हम ये देख ही नहीं पाते कि किसका शासन, किसके शासन में हमारा कार्य बेहतर हुआ है, किसने अपने लक्ष्यों को पूरा किया है, हम ये मेजर थोड़ी करते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा टूल तो हमारा जाति और धर्म है। इसीलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा गुण जो है, यहाँ जनता जागरूक रहेगी। जनता जागरूक इसलिए रहेगी क्योंकि उसको वोट करना है, उसको निर्वाचन मतलब भाग लेना है, उसको शासन कार्य में देखना है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे सरकार पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। तो तीसरा विशेषता ये हो गया। इसके बाद और क्या विशेषता है बच्चों? एक सबसे बड़ी विशेषता तो मैं यही कहूंगी कि लोकतंत्र जैसा लोकप्रिय और लोकतंत्र जैसा स्थायी शासन नहीं है। लोकप्रिय क्यों कहा जाता है? लोकप्रिय बच्चे इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखते हैं कि मैम इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जन कल्याण है ना बच्चों। जन कल्याण होने के साथ साथ मैम ये जो है ये जनमत पर आधारित है, मतलब यहाँ जनता सुप्रीम है। और जनमत पर जो शासन आधारित होगा, जहाँ जनता ही देवता होगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि वह शासन प्रणाली लोकप्रिय होगा। बेहतर चीज सबको पसंद आती है ना, तो ये शासन प्रणाली कैसा है? आप कहेंगे कि मैम लोकतंत्र जो है, जितने दुनिया में शासन प्रणाली है उनमें सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय है, साथ ही साथ ये जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है। और इसीलिए हम एक चीज और देखते हैं कि मैम ये जो शासन है ये बेसिकली स्थायी है, क्योंकि इसमें शासन का संचालन जनता करती है। आप देखते होंगे कि बच्चे जितने पद है हमारे भारत में, सबका एक फिक्स टेन्योर है, कोई 5 साल के लिए है, कोई 6 साल के लिए, और आपको पता है कि फिर 5 साल के बाद ये व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आएगा। अगर आज कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है या कल कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर रही थी, तो जाहिर सी बात है ना कि फिर 5 साल बाद तो इलेक्शन होगा ही होगा, और उसमें हम कहीं ना कहीं उसके कार्यों का मूल्यांकन जरूर करेंगे कि ये व्यक्ति ने कितने कार्य किए, इसके कितने वादे थे, और इस वादों पे ये खड़ा उतरा है कि नहीं उतरा है। तो लोकप्रिय शासन होने के कारण ये एक स्थायी शासन प्रणाली भी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है बच्चों? अगला कह रहा है कि राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भय नहीं। इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पे किसी व्यक्ति को तो हम चुन नहीं लेंगे, यहाँ पे चुनेगी कौन? जनता ही चुनेगी। और जब जनता खुद चुनेगी तो उसे अपने डिसीजन पे थोड़ा सा टाइम लगेगा ना एडजस्ट करने में। तो अगर हम यहाँ की बच्चे बात करें, अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो ये जो शासन प्रणाली है यहाँ पे जनता का सहयोग प्राप्त होता है, और जनता को संतुष्ट रहने के कारण ही राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भय यहाँ लोगों में नहीं होता है। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्या है? तो अगला हम देख पा रहे हैं कि मैम यहाँ जो लोग हैं उनमें राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना होती है, और ये बात सही भी है। इसको हम कैसे कह सकते हैं? तो आप देखिए, जब कोई व्यक्ति वोट करता है बच्चों, तो वह इसलिए केवल नहीं वोट करता है कि वोट करना मेरा कर्तव्य है, जाके वोट कर दिए हो गया। वो वोट करने के पीछे कई सारे बातों को सोचता होगा, उसके पीछे कई सारी मंशा उसकी रहती होगी। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो शिक्षित है, जो योग्य है, जो कर्मठ है, तो कहीं ना कहीं वह देश के विकास के लिए अच्छा कार्य तो करेगा ही करेगा। और फिर से मैं वही बात कहूंगी कि जब देश विकसित होगा तो इंडिविजुअल व्यक्ति का विकास होना ही होना है। मतलब यहाँ पे हमारे अंदर क्या घूम रही है? हमारे अंदर देशभक्ति घूम रही है, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना घूम रही है। और राष्ट्रवाद का सीधा सीधा मतलब ही तो यही होता है कि जब हम अपने देश के बेहतरी के लिए सोचना शुरू कर दें, अपने देश के विकास के लिए सोचना शुरू कर दें, तो यही तो है राष्ट्रवाद। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना का विकास ऐसे होता है बच्चों कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता ही देश का शासन कर रही है, और इसमें नागरिकों में देशभक्ति की भावना है, तब जाकर वो किसी ऐसे व्यक्ति को चुन रही है जो भारत के भविष्य के लिए बेहतर में काम करे, जो भारत के लिए अच्छा काम करे, जो भारत को बिल्कुल क्या कह रही है रानी जी आप? हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया या फिर जो भी देश होगा, जो देश के नागरिक होंगे, वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि हमारा देश बेहतरी से कार्य करे, हमारा देश आर्थिक विकास के मामले में बेहतर हो, हमारा देश विकासशील देशों में आ जाए। विकासशील देश में तो अब यही है, विकसित देशों में शामिल हो जाए। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि जब हम कभी वोट करेंगे तो हम इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना हो, उसके बाद हम देश के बेहतरी के लिए काम करें, हम देशभक्ति की भावना के साथ वोट करने जाएं, ताकि हम जिस व्यक्ति को चुने वो योग्य हो, वो कर्मठ हो, वो शिक्षित हो, और वो भारत के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करे। क्लियर है यहां तक की बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे यहाँ पे हम एक बात और देखेंगे कि इससे होता क्या है। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो एक और विशेषता है बच्चों, वो ये भी है कि व्यक्ति के गरिमा में वृद्धि होती है। व्यक्ति गरिमा में वृद्धि कहने का क्या मतलब है? तो आप सबको पता है कि लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर काम करता है, और यहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शिक्षित है, कोई अनपढ़ है, कोई कार्यरत है, कोई बेरोजगार है, कोई पुरुष है, कोई महिला है, क्या किसी प्रकार का अंतर है? तो हम कहेंगे कि मैम दो चीज यहाँ पे है, हमारे पास समानता है। समानता होने के कारण हमें किसी भी चीज पे भेदभाव तो नहीं सिखाया गया है, ना ही किसी चीज पे अंतर किया गया है। तो पहला समानता, और दूसरा क्या है बच्चों? तो आप कहोगे कि मैम हम हर रूप से स्वतंत्र हैं, और जब बच्चे हमें स्वतंत्रता मिलती है ना, तो अपने आप हमारे पास कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं, अपने आप हमारे पास कई सारे मार्ग, कई सारे राह खुल जाते हैं। तो व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि मैम किसी प्रकार का अंतर नहीं है और लोगों को स्वतंत्रता दी गई है। तो देख रहे हैं आप कि किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं है, और इसमें जब व्यक्ति को समानता मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगा, तो हर व्यक्ति गरिमा के साथ जिएगा और उसके गरिमा में वृद्धि होगी। अगर आपको मान लीजिए मैगी बनाने को मम्मी दे दे और मम्मी आपके पास खड़ी हो जाए और आपको बताए कि देखो इतना ही पानी डालना है, यही करना है, इतना ही करना है, आपको रिस्ट्रिक्टेड कर दे, आप क्या करेंगे? मैगी उस दिन थोड़ी ठीक नहीं बन पाएगी, क्योंकि आप तो एक्स्ट्रा से गरम मसाला डाल लेते थे, थोड़ा प्याज व्याज भी काट के डाल लेते, थोड़ी अच्छी मैगी बना। मम्मी बोली पानी डालो, बॉईल करो, मसाला डालो, खा लो, ऐसे ही बनेगा, अभी सावन है, नहीं खाना है प्याज। अब आपके पास क्या आ गया? आपके पास रूल बुक आ गया, आपको ऐसे ही बनाना है। लेकिन जैसे ही आप स्वतंत्र हो जाएंगे तो आप बेहतर कार्य करेंगे, और इसी कारण बच्चे जब समानता और स्वतंत्रता जैसी चीजें लोगों के पास होती है तो उसके गरिमा में वृद्धि होती है। क्लियर हुआ बात? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब इतनी सारी विशेषताएं तो आपने देख ली, आपने क्या क्या विशेषता देखा? सबसे पहले कि मैम ये जनमत पर आधारित शासन है, तो लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो बहुत क्लियरली आप बता देंगे कि मैम ये जनमत पर आधारित शासन है, मैम ये स्वतंत्रता और समानता का पोषक है, मैम इसके साथ यहाँ जन कल्याण का पोषक है, ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण पर सरकार काम करती है, यहाँ लोगों में राजनीतिक जागृति है मैम, मतलब जनता जागरूक है अपने तरह से, इसके साथ साथ ये सबसे लोकप्रिय और एक स्थायी शासन है, यहाँ पे जो जनता है या फिर जो लोग है, जो देश है, उसमें राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि जनता ने खुद उस सरकार को चुना है। तो आखिर जनता जब उसे खुद चुनी है तो उसके बातों को मनवाने के लिए जनता ही उसका क्या करेगी? समर्थन करेगी। राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना भी है लोगों में बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? व्यक्ति की गरिमा वृद्धि, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि समानता और स्वतंत्रता जैसी चीजें जब लोगों के पास होंगी तो उनकी समानता और स्वतंत्रता के कारण उनके
गरिमा में वृद्धि होगी ही होगी क्योंकि वह बेहतरी के साथ कार्य करेंगे। तो ये है आपके लोकतंत्र के गुण। यहाँ तक तो आई होप आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब आइए एक छोटा सा टॉपिक जो आपके एग्जाम में हर बारी पूछा जाता है और इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे पूछा जाता है कि लोकतंत्र जो है ये कितना सफल है, या हम इसी को ऐसे समझ सकते हैं कि मैम लोकतंत्र के मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी हैं। और आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि लोकतंत्र के मार्ग में बाधाएं, अब आइए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर लोकतंत्र के मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं। आप सबको पता है कि भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और ये लोकतांत्रिक देश इसलिए है क्योंकि इतनी सारी विविधता यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। आप दुनिया के और देशों में देख लीजिएगा तो वहाँ पे आपको रंग के आधार पर विविधता मिलेंगी, मतलब जो गोरे और काले हैं, जो श्वेत और अश्वेत हैं, उनके बीच आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, विविधता देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कई सारे आधार हैं, धर्म है, जाति है, लिंग है, समुदाय है, क्षेत्रीय विविधता है, भाषा के आधार पर विविधता है, और न जाने कितने आधार हैं इसके। इसीलिए भारत को सबसे सफल लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। और अभी हमने हाल में ही आज़ादी का 76वां वर्ष मनाया है, मतलब 76 वर्ष की हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम और भी कई सारी हैं कि भाई इतनी विविधता है तो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है, बाधाएं नहीं आती हैं? और आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा क्योंकि गुण तो सारे बच्चे को पता है, हम उस सिस्टम में रह रहे हैं तो हमें उस सिस्टम के गुणों के बारे में पता तो होगा ही होगा कि क्या आखिर इसकी बेहतरी की बातें हैं, लेकिन आखिर इसके प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए क्योंकि आपका बोर्ड आपसे समस्या ही पूछेगा। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं कि आखिर लोकतंत्र के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। सबसे पहले अगर बाधा की चर्चा करें तो सबसे पहला बाधा हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि मैम भारत के अंतर्गत जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि यहाँ लोगों के बीच में शिक्षा का अभाव है। और शिक्षा बच्चे किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत जरूरी है। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब कोई व्यक्ति शिक्षित होगा ना तो वो किसके आधार पर वोट करेगा, आप कहेंगे कि मैम वो व्यक्ति कार्य के आधार पर वोट करेगा, काम के आधार पर वोट करेगा, और वो व्यक्ति समझेगा कि उस व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, उस व्यक्ति के पास कौन कौन से कर्तव्य हैं, ये वो व्यक्ति बहुत बेहतर तरीके से समझेगा। मतलब कार्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कोई भी अगर शिक्षित व्यक्ति है तो शिक्षित व्यक्ति इन सारे आधार पर वोट करेगा। लेकिन जैसे ही शिक्षा नहीं होगी तो क्या होगा बच्चों, तो शिक्षा जब नहीं होगी तो लोकतंत्र के अंतर्गत जो भी विविधता वाली चीज़ें हैं वहाँ पार्टियाँ बांट देती हैं और लोग बढ़ जाते हैं और फिर वोटिंग उसी आधार पे हो जाती है। जैसे हम बात करें जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर, इन सारे आधार पे हम बढ़ जाते हैं और शिक्षा के अभाव में हम उस बेहतर को नहीं चुन पाते जो योग्य है, जो कर्मठ है, जो समाज के बेहतरी के लिए कार्य करेगा, इसे हम नहीं चुन पाते। तो सबसे पहली चीज़ लोकतंत्र के अंतर्गत क्या है कि जनता का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जनता शिक्षित होगी कार्य के आधार पर वोट करेगी, और जैसे ही जनता शिक्षित नहीं होगी वो बहकावे में आएगी, वो जाति धर्म जैसी चीजों में फंसती चली जाएगी। आप देखते होंगे कि जब जब हमारे मतलब हमारे भारत में स्पेशली इलेक्शन का टाइम आएगा तो क्या होगा, ये जो जाति और धर्म वाली चीजें हैं वो एकदम बहुत एक्टिव हो जाएंगी, है ना। उस टाइम आपको बांट दिया जाएगा, कोई इसे लड़ रहा है, कोई उससे लड़ रहा है, और हर में ग्रुप में ही बांट दिया जाएगा आपको, और आप उन मुद्दों पर बढ़ जाएंगे। आपको उस समय नहीं याद रहेगा कि सरकार के द्वारा किए गए पिछले चुनाव में क्या क्या वादे थे और सरकार ने अभी क्या पूरा किया है, या कोई भी पार्टी जिसने वादा किया था वो कितने खड़ी उतर पाई है उन बातों पे, ये आपको नहीं याद रहेगा, आप केवल उन चीजों पे घूमते रह जाएंगे। इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन मस्ट है लोकतंत्र को सफल बनाने में, ठीक है। और सरकार कोशिश में भी तो है कि लोग पढ़ें, आप पढ़ेंगे तब तो आप जागरूक होंगे, तब तो भारत एक बेहतर भविष्य का जो कल्पना कर रहा है, सपना देख रहा है, उसे पूरा करने में सफल होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है बच्चे, शिक्षा। दूसरा क्या है, आप देखते हैं बच्चे कि भारत के अंतर्गत एक और बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बहुत कम है।
लोकतंत्र में लोगों का विश्वास ही नहीं है। और आप देखिएगा कि इसकी चिंता भारत के नागरिकों को नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र को कैसे सफल बनाया जाए। कोई व्यक्ति इस बारे में थोड़ी सोच रहा है कि भारतीय लोकतंत्र को कैसे सफल बनाया जाए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबका जो स्वार्थ है वो एक निजी स्वार्थ पर ही है कि वो अपना केवल देख रहे हैं कि मेरा कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसी हालत में लोकतंत्र को सफल बनाना बहुत ही कठिन हो गया है। तो पहला चीज क्या है, एजुकेशन मस्ट है। दूसरा हमें क्या करना होगा बच्चों, तो दूसरा हमें लोकतंत्र में आस्था रखनी होगी। सबसे पहली चीज क्या होगी, एजुकेशन, और दूसरा लोकतंत्र में आस्था। तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है कि लोगों के अंदर बच्चे यहाँ पे नागरिक गुणों का अभाव है। अब इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का ये मतलब है कि जनता बच्चे अपने अधिकार को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रही है। आप सबको पता है कि जब हम वोट करते हैं तो हमें क्या मिला हुआ है, हमें स्वतंत्र, हम स्वतंत्र हैं किसी व्यक्ति को वोट करने से, और हम निष्पक्ष वोट करेंगे, मतलब हमारे ऊपर किसी भी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं है कि इसे ही वोट करना है, ठीक है। तो ये हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए, हमारे अंदर कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने देश के बेहतरी के लिए वोट करें, हम अपने देश के विकास के लिए वोट करें। लेकिन बच्चे यहाँ होता क्या है, तो जनता अपने कर्तव्यों के निर्वाह में पिछड़ जाती है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का सहायक नहीं बन पाता है, और ऐसे कंडीशन में लोकतंत्र को सफल बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। नागरिक गुणों के अभाव कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम स्वतंत्र आधार पर वोट करें, हम निष्पक्ष होकर वोट करें, हम काम के आधार पर वोट करें, ठीक है, ताकि हम भारत के बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकें। पहली बात। इसके बाद अगला क्या है, अब देखो अगला कह रहा है कि मतदान का दुरुपयोग। इसके कहने का क्या मतलब है, तो भारतीय जनता जो है ये मतदान को ना उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती है, उतना इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देती है, और इसीलिए बच्चे यहां मतदान का दुरुपयोग जैसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अपना मत ठीक से नहीं दे पाते हैं और एक वोट जो उनका होता है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। भूखे व्यक्ति के लिए मतदान का कोई महत्व नहीं होता, तो नाना प्रकार के लोभ दिखा करके उनका मत प्राप्त कर दिया जाता है। ये कहने का कोशिश ये कर रहा है कि जो गरीब जनता है उस गरीब जनता के लिए कहीं ना कहीं जो एक लोभ है, जो प्रलोभन है, वो दे करके भी लोकतंत्र के अंतर्गत लोग सफल हो जाते हैं। और लोकतंत्र को बोलबालों का, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो बोलवाले वाले हैं, उनकी प्रबलता की भी सरकार कही जाती है, है ना। आप कभी देखे कोई गरीब आदमी जाके इलेक्शन में खड़ा हो गया वो जीत हो गया, नहीं, जिसका बोलवाला होगा चुनाव में वही जीतेगा। तो लोकतंत्र को अमीरों की भी शासन व्यवस्था कही जाती है, इसको अयोग्यों की शासन व्यवस्था भी कही जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है और जो व्यक्ति नहीं पढ़ा है दोनों सेम है। किसी एक व्यक्ति पे हजारों केस है और किसी एक व्यक्ति पे केस नहीं है, लेकिन वो अमीर नहीं है तो जो व्यक्ति पे केस है वो जीत जाएगा क्योंकि उसके पास पैसा है, है ना। तो ये बलबालों की, या हम ऐसे कहें कि जो अयोग्य होते हैं उनकी पूजा करने वाली सिस्टम भी लोकतंत्र को कहा जाता है। तो मतदान का दुरुपयोग ऐसे चक्कर में भी हो जाता है कि जब हम लोभ और प्रलोभन के कारण किसी योग्य कैंडिडेट को, कर्मठ कैंडिडेट को नहीं चुन पाते हैं। क्लियर है यहां तक की बातें, चलिए आगे देखते हैं। अब दो तीन और कारण हैं, दो तीन और कारण क्या है भाई लोकतंत्र को असफल बनाने के पीछे, या इसके मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं। तो सामाजिक असमानता, ये बात तो है ही बच्चों, असमानता हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा है, चाहे हम जाति ले लें, हम धर्म ले लें, हम ऊंच नीच ले लें, हम अमीर गरीब ले लें, इन सब का भेदभाव हमें देखने को मिलता है। और ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इन सब को एक साथ लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। जैसे हम भारत में कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर ही कई क्षेत्र में बटे हुए हैं, हमारी जाति अलग है। अब जाति के आधार पर जब लोग बटे हुए हैं तो अपनी जाति वाले को ही चुनेंगे, धर्म के आधार पर जब लोग बटे हुए हैं तो वो अपने धर्म के लोग को ही चुनेंगे, है ना। तो ये असमानता भी बच्चे लोकतंत्र के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा बनकर के सामने आती है। अगला क्या है, भारत में अगर हम देखेंगे तो ये भी बच्चे एक मेजर प्रॉब्लम आता है जिसका नाम है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता में हमारे भारत में अमीरों और गरीबों की जो खाई है यह काफी गहरी है, मतलब एकदम कोई अमीर है और कोई एकदम गरीब है, और अधिकांश लोग को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी का पेट नहीं भरा है तो वो वोट थोड़ी देने जाएगा, वो तो ये कोशिश में लगेगा ना कि किस प्रकार से एक सहयोग के माध्यम से ही हम अपने भूख की को मिटा सके, है ना बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आर्थिक असमानता भी काफी बड़ा प्रॉब्लम बनता है लोकतंत्र के मार्ग में। तो लोकतंत्र के मार्ग में दो विविधता, दो असमानता, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, ये दोनों ही बाधाएं बनकर के सामने आती हैं।
अगला क्या है? अगला है बच्चे निष्पक्ष समाचार पत्रों का अभाव। आप सबको पता है कि जो मीडिया होती है बच्चों, ये फोर्थ पिलर होती है, इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि मैम इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और मीडिया को कहीं ना कहीं बच्चे निर्भीक होना चाहिए, जनता को जो उसके सही बात है मतलब निष्पक्ष होना चाहिए, और जो सत्य है, जो तथ्य है, वही जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि जनता भी उनके प्रति जागरूक रह सके, जनता भी सरकार के कामकाजों पर नजर रख सके, और जनता विश्वसनीय पात्र के रूप में अपना वोटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो समाचार पत्र होती हैं, जो पत्रिकाएं होती हैं बच्चों, वो लोकतंत्र को सफल बहुत अच्छे तरीके से बना देंगी। भारत में जितने भी समाचार पत्र आपको दिखते हैं, वो अगर सभी समाचार पत्र सही खबर छापने लगे और जनता को सही सही बातें बनाने लगे और जनता को जानकारी बेहतर रूप से मिलने लगी, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जागरूकता इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लोग फिर बेहतर को ही चुनेंगे, है ना। तो ये आपके दो टॉपिक थे बच्चों, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि आखिर लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या क्या हैं, लोकतंत्र के गुण क्या क्या हैं, और उसके बाद हमने चर्चा की कि आखिर लोकतंत्र के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। दोनों में मैं आपको 8-8 पॉइंट, 7-7 पॉइंट करवा चुकी हूँ, कोई परेशानी आपको नहीं आएगा। और इस चैप्टर से केवल दो ही क्वेश्चन बनता है, वो भी लॉन्ग का। पहला, भारतीय लोकतंत्र के गुणों की व्याख्या करें, और सारा गुण मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले। दूसरा, लोकतंत्र के मार्ग में बाधाओं का वर्णन करें, और सारी बाधाएं मैंने आपको बता दी हैं अभी। ओके, तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ, एक नए ऑब्जेक्टिव सीरीज के साथ। तब तक ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बच्चों।